أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. या अल्लाह, आपके कलाम को समझने के लिए जो जो हम कोशिश कर रहे हैं उसको बार बार फरमाइए, इसका फहम हमारे लिए आसान बना दीजिए, हमारे दिलों को आपके कलाम की तरफ रागिब फरमा दीजिए, दिलचस्पी साबित खदमी अता फरमाइए, इस काम को कबूल और मंजूर फरमाइए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो आई एक्जैक्टली सर हसन क्या हो गया, क्यों खोल रहे? यस, सो आई डोंट रिमेम्बर, did we finish this ayah or we have we to do it? summa afizu min haythu afaza an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim. Does anyone know, have we finished this one? And sir, do you know, do you remember? इससे पहले सर आई थिंक ये करनी है, मुझे लगता है वो जिससे पहले की हुई थी ना, लैसा अलैकुम जनाहुन वाली हो गई थी, ये नहीं हुई थी मेरे जान तो ख्याल। जी, जी सर, ये नहीं हुई है। जी ये नहीं हुई। ओके, अब सर आर यू फ्री? अब सर जी, are you free? Assalam alaikum sir, can you read this ayah? Ji summa fizu ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, summa afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ab se fis pe वो स्क्रीन पे जो आ रहा है वहीं पढ़ रहे हो या इज देयर एनी ट्रांसलेशन अवेलेबल विथ यू? स्क्रीन पे हुई। अच्छा, किसी के पास कोई ट्रांसलेशन भी सामने रखे हुए हैं? लेट मी ट्राई सम अदर वे, किसी के सामने है कोई ट्रांसलेशन? जी सर, मेरे पास है। हाँ चलो, इसका ट्रांसलेशन पढ़ो, हमारा क्या लिखा हुआ है इसमें? उन्होंने लिखा है कि सुम्मा फिर अफीदु लौट तो वापस आओ। मायने नहीं चाहिए, इसका ट्रांसलेशन जो रवानी में नीचे लिखा। अच्छा अच्छा, ट्रांसलेशन ओके। फिर जहां से और लोग वापस हो वहीं से तुम भी वापस हो और खुदा से बख्शिश मांगो, बेशक खुदा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। अच्छा,
अब फिर जरा सुकून से एक एक लफ्ज पढ़ो, यहीं से तुम मिलो ट्रांसलेशन का सुम्मा फिर नहीं सुम्मा फिर हुमायरा वहां जो ट्रांसलेशन पढ़े उसी को दोबारा रुक के पढ़ो। एक लफ्ज पढ़ो पहला क्या है ट्रांसलेशन का, फिर हाँ जहां से और लोग वापस हों, बस यहाँ तक। अब देखिए वहीं से बस 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 ठीक है, देखिए इतना। अब अगर कोई ट्रांसलेशन से भी कुरान को समझना चाहता है तो मैं यहाँ पर उसको हमको ये देखना है कि जैसे उसने ट्रांसफर जहाँ से और लोग वापस हों, अभी जो जो अल्फाज आ रहे हैं, अब हमको अगर ट्रांसलेशन से भी समझना है ये क्लास किसी के लिए मुश्किल हो जा रही है, ग्रामर भी मुश्किल हो जा रही है, तो इस वक्त मेरा मकसद न ग्रामर समझाना है न जो है कोई नहू समझाना है, बल्कि कोई ना कोई ऐसा तरीक़ा हमारे पास हो जिससे कुरान का एक एक लफ्ज़ डायरेक्ट समझ में आए। अब ये हमारा के पास जो ट्रांसलेशन है, मैं समझता हूँ लगभग कोई भी कुरान में ट्रांसलेशन से भी इसी तरह से मिलते जुलते होंगे। अब यहाँ पर पहला लफ्ज़ फिर है, अब इसमें हम अगर इसको फिक्स करें तो कुरान का अरबी का कौन सा लफ्ज़ है जो उससे मुताबिकत रखता है फिर, वो हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पहला लफ्ज़ सुम्मा है, फिर है, ठीक है, उसके बाद जहाँ से लोग वापस हों। अब ये लाजमी बात है कि उस तर्जुमे में कोई बाद वाली चीज़ पहले ट्रांसलेट हो गई, पहले वाली चीज़ बाद ट्रांसफ़र बाद में ट्रांसलेट हो गई, तो अगर हम उसको कम से कम मुताबिकत पैदा करें ट्रांसलेशन से। अब अफीजू के मैंने जहाँ से और लोग, यही है ना फिर के बाद, मेरा फिर के बाद यही है ना, जहाँ से और लोग। यस सर, लेकिन जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है उसमें उन्होंने अफीजू का मतलब वापस आओ लौट, सबके पास वर्ड बाय वर्ड हो, तुम्हारे पास उनका कौन है मुफ्ती, उनका कुरान है वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग का, एवरी वन डज नॉट पोजेस इट, तो आमतौर पर कुरान के नीचे तर्जुमा होता है, और वो तर्जुमा उसी तरह से है जैसा अभी तुमने पढ़ा कि फिर जहाँ से लोग वापस हों। अब ये जहाँ से का लफ्ज़ किस में, लोग कौन से हैं, फिर वापस हो का लफ्ज कहाँ है, इसमें क्या चीज़ छूट गई। यू लीव दैट वर्ड फॉर वर्ड, कौन है मुफ्ती, किसका है वो आपके पास जो तर्जुमा है वर्ड फॉर वर्ड, साबिर खरनी है? क्या नाम, साबिर खरनी साहब का है, साबिर खरनी आई थिंक मर्तबा साबिर खरनी, वो यहाँ से जो मस्जिद में सबके पास है मेरे पास लिए से, तो वही तर्जुमा होगा तो वर्ड फॉर वर्ड, या कोई नया है जी, ग्रीन वाली, वो जो ग्रीन छोटी रूप है, नहीं ग्रीन वाली जो है ना छोटी वाली किताब, वो एक एक चौक से पा रहा है, वो है ग्रीन वाला। अच्छा तो वो पता नहीं मुझे, चलिए तब आमतौर पर सबके हाफिज नजर अहमद का नहीं है उसके पास, कोई और ग्रीन वाला है बोल रहे, हाफिज नजर अहमद का भी है लेकिन एवरीवन डज नॉट हैव दैट वन। तो अब जो रवानी से तर्जुमा है उसको भी हम देखेंगे। डॉक्टर अब्बासी हियर, अभी नहीं है शायद, नहीं है सर, ये ग्रीन वाला मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी का है। अच्छा अच्छा, वो उनका भी वर्ड फॉर वर्ड है उसमें, ठीक है, लेकिन आमतौर पे जो रवानी जी, आप किसी और का तर्जुमा लेना चाह रहे हैं तो मेरे पास हैं दो तीन तराजू। नहीं नहीं, किसी का भी हो, कोई आपके सामने है तो आप भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं इतने टुकड़े का, सुम्मा अफीजु मिन हैसु अफाज़न नासु, इतना एक टुकड़ा है,
जी सर, इसका एक तर्जमा तो ये है, फिर बात ये है, ए कुरैशियो तुम भी वहीं से पलटो जहां से लोग पलटते हैं। इन्होंने काफी सपोर्ट कर दी है। अब देखिए मेरी कोशिश क्या है आपके लिए, वो ये है कि ए कुरैशियो यहाँ कहीं नहीं है, ओके, दैट इज हिडन, है ना। तो ये कुरैशी भी थे और फिर उस वक्त के मदीने के मुसलमान भी थे, सब थे, या कुरैश के ही लोग आमतौर पर उस ज़माने में जहालत में था, जो भी था, उसका मैं शायद परसों कुछ बैकग्राउंड दिया था। उसी तरह से तो ए कुरैशी हो, उन्होंने अपनी तरफ से ला दिया। उसके बाद क्या पढ़ा आपने? दानिश, उसके बाद क्या पढ़े सर? कुरैशियों के बाद हाँ, फिर बात ये है कि एक तुम भी वहीं से पलटो जहां से लोग पलटते हैं, इससे आगे भी है, बस यहाँ तक। और अल्लाह से माफ अरे वो बात भी की मांगो। बात नहीं दानिश, वो बात की बात है, सिर्फ इतने हाँ टुकड़े पे हम बहस कर रहे हैं। गुफ्तगू हमारी जी, सुम्मा हफीजू में हैसु अफाजन नास पे कर रहे हैं, ओके, दैट इज द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस लेटर। तो तुम लौटो कहाँ से आ गया, उसका व्हाट इज द सूटेबल वर्ड इन दिस आया? ये चार एक कितने कलिमे है? सुम्मा एक है, अफीजु एक है, मिन एक है, हैसु एक है, अफाजा एक है, अन्नासु है। देर आर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स कलिमाज आर देयर। सो यहाँ पर तुम लौटो विल मैच टू विच कलिमा ऑफ दिस आया? अफीजु सर, अफाद अफाद अन्नासु नहीं होता ना, अफीदु सर। तुम लौटो जो आ रहा है तर्जुमा, इट्स ओनली इट विल मैच टू अफीजु, है ना। वहां पर लिखा हुआ है तुम, ये तुम कहाँ से आ गया, ये लौटो लिखा हुआ है, तुम वापस हो, तो अब ये तुम कहाँ से आ गया है? सर ये फेले आपकी लौटो, तुम सब लौटो, हम तो ये अमर भी नहीं है, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। क्या है, क्या नहीं समझ आ रहा है सर? ये अमर तो नहीं है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन अमर की तरह है कि तुम सब लौटो, क्यों तुम अमर सब, क्यों लेकिन नहीं दिख रहा ये आपको? ये एक तरह से मजदर है, अमर क्यों नहीं दिख रहा सर आपको? ये मायने, क्योंकि अगर मायने देखे तो इसमें हुक्म तो नहीं दिया जा रहा कि तुम सब लौटो। देखिए हुकुम ही नहीं होता है, मजदर की तरह है कि जब तुम लौटो। अरे बच्ची, ये जब तुम लौटो ही नहीं है, ये जो है पिछली आयत से कनेक्ट हो रहा है। पिछली आयत के आखिरी अल्फाज जो हम पढ़े थे उसमें ये क्या पढ़े थे, लैसा अलैकुम जनान अन तब तक फजल फैज़ा अफस तुम मिन अरफात फ़स्कुरुल्लाह इंदल मशरिल हराम, यह हम पढ़े थे, है ना। तब यह वहाँ पर एक हुक्म हुआ था कि इसमें एक पहले टुकड़े में कि कोई तिजारत करना या फिर कोई माल कमाने के लिए मेहनत करना, इसमें कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद जो हुक्म हुआ था कि हर एक को अरफा से मुज़दलिफा है इंदल मस्जिद हराम, अब उसके बाद ये जब तुम बोल के नहीं है, ये दिस इज द अर्थ, ये उसके बाद कनेक्ट कर रहा है जब तुम वहाँ से लौटो। सुम्मा, ये जब तुम जो तुम कर रहे हो वो नहीं है, जब तुम नहीं है, फिर जैसा वहाँ लिखा है वो सही है, इसके बाद जब तुम फिर तुम लौट, हाँ लौटो, लौटो माने दिस अमर है, बिल्कुल अमर होगा। अफीजु फजा का अमर है, अफीजु ये जमा है, तुम सब लौटो
कहाँ से लौटो, मजीद उसकी इजाफत हो रही है कि जहाँ से और लोग लौटते हैं, जहाँ से और लोग लौटेंगे, यानी इसमें एक बड़ा बारीक पॉइंट आता है कि ये बाद में आ रही है, ये बादु जिक्र अव्वलु जिक्र होगा, और अव्वलु जिक्र बादु जिक्र कुरान में बेशुमार उसके ऐसी मिसालें हैं। और ये मुजदलिफा से लौटना नहीं है, वो तसलसल नहीं है इसमें, बल्कि फिर वही है कि अरफात से मुजदलिफा की तरफ लौटना। अफीजु मिन हायसु अफाजन नास, वहाँ पर क्लियर कहा गया था कि फैज़ा अफस्तुम मिन अरफातिन फज़कुरुल्लाह। मज़ीद उस पर ज़ोर दिया जा रहा है कि वो जो कुछ जाहिल अपने आप को मुतवल्लियान काबा समझते थे, और वो समझते थे कि हुदूद हरम के बाहर हम जा नहीं सकते, इसलिए वो मुज़दलिफ़ा में ही ठहरे रहते थे, दूसरे अरब व अरफात को जाते थे। अब उसके मज़ीद उसकी ताकीद आ रही है ये हुक्म के साथ, अफीज़ू तुम भी लौटो वहाँ से जहाँ से दूसरे लोग लौट, ये लौटना शुरू हुआ। एक तो मीना से अरफात गए, अरफात से मुज़दलिफ़ा है, मुज़दलिफ़ा से तो सभी वापस आ रहे हैं मीना को। तो अब ये पहले उसके ऊपर जो अरफात में जाना ज़रूरी है उसको मज़ीद तक़वियत ये टुकड़ा दे रहा है कि फिर तुम लौटो मिन हैसु जहाँ से अफाजन नासु। तो मैं जो कोशिश कर रहा था उसको थोड़ा सा सब्र के साथ सुनिए। आम तौर पर ऐसे लोग क्लास में हैं, बहुत से तो एडवांस हैं, तुम भी उनमें से एक हैं जो चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसकी अहमियत को भी नहीं समझ रहे हैं, और उसमें परसिस्टेंस साबित खदमी का भी मुजाहरा शायद मुश्किल से कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल या बहुत ही हार्ड क्लास किसी को दिख रही है, तो आई एम ट्राइंग टू वेरियस मेथड्स। आप कोई तर्जुमे से जिसको ग्रामर भी नहीं सीखना है तो उसको अगर ये देखना है तो विच वर्ड ऑफ द ट्रांसलेशन, वेदर इट मे बी द इंग्लिश ट्रांसलेशन और द उर्दू ट्रांसलेशन, तो उसको कम। अब जैसे तुम लौटो अभी दानिश ने कहा, और फिर तुम्हारे पास हमारा के पास जो था, जहाँ से जहाँ कहीं से लोग लौटते हैं तुम लौटो। अब ये जहाँ कहीं से पहले नहीं आ गया तर्जुमे में, बट वेयर विल इट फिट, उसको हम कॉरलेट करेंगे, दैट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज विल बी कॉरलेटेड विद द अरेबिक ऑफ द कुरान। कुछ मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है या एम आई कन्फ्यूजिंग मोस्ट ऑफ द पीपल? दानिश समझ में आ रहा है, मतलब आप उसमें लफ्ज के साथ साथ लिंक बना रहे हैं, तर्जुमा करेस्पॉन्ड होना ना। आपने ये बिल्कुल सही कहा था कि फिर है या फिर जब कभी कुछ भी है तो वो नहीं है, बल्कि वो जो भी हमारा पढ़ी वो यहाँ पर फिर है, यानी आफ्टर डेट देर इज अ गैप जहाँ से लौटे, है ना, यहाँ क़याम किया अरफात में फिर वहाँ से लौटे, है ना। तुम भी लौटो, ये तुम कौन है, वही जो है कुरैश वगैरह बैकग्राउंड में है, ऐसा आयत में कोई नहीं है, बल्कि वो मुतवल्लियान काबा जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे उनसे खिताब है कि कोई और हुदूद हरम में अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ठहर नहीं सकता, सबको अरफात में पहले जाना है। इसकी पूरी तफसील पिछली आयत नंबर 198 में आ गई। अब उन सबको खिताब होके कहा जा रहा है कि ये मनासिक में उसका हज ही नहीं हुआ जो अरफात में जाके नहीं ठहरा, ये तो मेन रुकन है। हाँ, तुम लौट हो गया, उसके बाद का तर्जुमा क्या है आपका? तुम लौटो के बाद क्या है उसके तर्जुमा जो है स्पेसिफिकली वो ये है कि जहां से और लोग वापस हैं। ये और लोग कहाँ हैं? जहां से पलटते हैं। हाँ नहीं, तर्जुमे की बात कर रहे हैं, सिर्फ वहां जैसा है वैसा लेके चलेंगे।
जहां से विच वर्ड विल उसमें से तुम भी हाँ जहां से विच वर्ड विल करस्पॉन्ड टू द अरेबिक वर्ड हाइसू एग्जैक्टली हाइसू जो है जहां से ये है बिल्कुल ये जो है इसको जहां से हैसा हैसू जहां से ठीक है अब उसके बाद क्या है और लोग से लोग पलटते हैं लोग पलटते हैं अच्छा अब इसमें लोग पलटते हैं तो फिर यहां पर क्या है पादन नासु तो ये पलटना क्या है फिर इसमें विच वुड करस्पॉन्ड विथ अफजन नासु नास जो है वो लोग हो गए और अफादा पलटते हैं अफादा पलटते हैं के साथ मिलेगा हाँ ये पलटना है फजा अफिजू है ना ये अफाजा ये फाजा उसका रूट वर्ड है खर जो भी है तो अब ये तर्जुमे से अगर हम करें तो उसमें बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो ये अरबी से करस्पॉन्ड नहीं होते अब उसको अगर हम बिल्कुल वो तर्जुमे को अगर थोड़ा सा इस जैसा अरबी में है वैसा करेंगे तो फिर तुम पलटो ये मिन पहले आ गया ये अरबी में ऐसा ही लिखा जाता है लेकिन उर्दू या अंग्रेज़ी में से आएगा तो फ्रॉम वेयर ये इंग्लिश में होगा या उर्दू होगा तो से पहले कभी नहीं आएगा बल्कि बाद में आएगा जहाँ से ये कन्फ्यूजन आमतौर पे तर्जुमा समझने में होता है जहाँ से पलटते हैं लोग जहाँ से पलटे लोग ओके दैट्स व्हाट आई वांट टू शो जिसको ग्रामर वगैरह भी नहीं सीखना है लेकिन हम तो करते ही रहेंगे उतनी देर वो सीखना चाहते हो ज़रूर सीख सकते हैं लेकिन बहुत से उस मेयार तक आ गए हैं लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इब्तदा तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए कि डायरेक्ट लिंक दिमाग से कुरानी कलिमात का होना चाहिए ये हो गया अब उसके बाद हमारे मज़ीद मालूमात के लिए या मज़ीद समझने के लिए हम ये करते हैं कि ये पांच छह कलीमे जो हैं इनमें से कौन सा कलीमा क्या है और उस कलीमे का दूसरे कलीमे से क्या ताल्लुक़ है ये दोनों बातों की स्टडी के लिए हम हज़ार बार अब तक सैकड़ों बार कह चुके हैं एक वो है जो सिर्फ कलीमे के बारे में बात करता है किसी एक कलीमे के बारे में बात करता है वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा कलीमे मिलने से एक इल्म बनता है वो उसकी अलग बात करता है दो कलीमे या दो से ज़्यादा कलीमे दो कलीमे या ज़ायद एंड स्टिल देर आर पीपल हु डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दिस इल्म व्हाई इज़ इट नेसेसरी एंड दिस इल्म व्हाई इज़ इट नेसेसरी What is the name of this ilm that discuss only with the single kalima? Ab sir, what is the name of this knowledge that we discuss about a single kalima? Word ka. सिर्फ एक वर्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे किसी भी जबान में अरबी हो या कोई भी जबान हो तो उसे क्या कहेंगे सर्फ बोलिए अगर वो बहुत मुश्किल है तो स्टडी ऑफ द वर्ड मॉर्फोलॉजी जो भी कह सकते हैं अरबी में उसको सर्फ कहें सर्फ जो है अंग्रेजी में भी हो सकती है उर्दू में भी हो सकती है दुनिया की हर जबान में हो सकती है और ये जितने कलीमे अरबी में हैं दुनिया की कोई ऐसी जबान नहीं है जिसमें इस्म फेल और हर्फ ना हो हर जबान में ये होते हैं इस नाम होते हैं और अफाल होते हैं और बस हरूफ होते हैं जो नाउन को या फेल को मिलाते हैं आपस में ये मज़ीद हमारा क्या हुआ कि
we are trying in advance way by discussing each kalima. फिर यहाँ पर जब आते हैं तो उनका एक अरेंजमेंट होता है, एक सेटिंग ऑफ द वर्ड्स होती है, और हर जबान का तरीक़ा यहाँ पर मुख्तलिफ होता है, उसका जो अरेंजमेंट है. अब अरबी का अरेंजमेंट चूँकि इससे फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस, ये हमारी मादरी जबान नहीं है, उर्दू में हमको ज़रूरत नहीं है कि हम कभी उसके ग्रामर, हाई स्कूल में हम भी पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे थोड़ी बहुत ग्रामर, लेकिन वो आज तक याद भी नहीं हुई, याद भी नहीं है. आई डो नॉट नो द उर्दू ग्रामर, उसके जो वैसे तो पढ़ने से समझ में आता है, लेकिन ख़ास उसके जैसे सर्फ नहू या फिर वो प्रीफिक्स सफिक्स मुझे आज भी याद नहीं हो टर्मिनोलॉजी. लेकिन जब दो जुमले मिलते, दो अल्फाज मिलते हैं, दो कलीमे मिलते हैं, तो उसको मिलाने की क्या तरतीब है, वो चूंकि हमारी मादरी जबान है उसके सीखने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी. कोई पढ़ा लिखा आदमी हो या बिल्कुल जाहिल आदमी हो जो उर्दू में बात करता हो या अंग्रेज़ी में बात करता हो, इलिटरेट हो लेकिन अंग्रेज़ी में बात कर सकता है, चाहे इंग्लैंड का हो चाहे अमरीका का हो, या आ जाने के बाद जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, व्हाट्सएप पे कैसी कैसी मिसालें मिलती हैं अंग्रेज़ी की, हम देखते रहते हैं उसको मैसेज जो करते हैं. तो ये दो कलीमे मिलने से क्या रिश्ता बनता है, दैट इज़ द अनदर इल्म एंड दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द कुरान वेरी क्लियरली. तो ये एक अब यहाँ पर हम पहले इसके क्या करेंगे, सुम्मा क्या है, एक कमान यहाँ पर वो है क्या नाम उसका, सोगरा सोगरा आर यू देयर, सोगरा है मेरे पास लिस्ट में नहीं दिख रहा है, सोगरा टीचर नहीं है. अच्छा नहीं है परसों पे. अच्छा तो लेट अस टेक तजीन, तजीन वालेकुम सलाम. अब ये जो कलीमे हैं है ना, इसमें सुम्मा का क्या मुकाम है, सुम्मा मतलब फिर जोड़ा, फिर से लास्ट का लास्ट सेंटेंस से इसको जोड़ा, फिर कंटिन्यूएशन है ये. ये भी इसको कौन सा बोलेंगे, हर्फे हर्फ अत्फ होता है जो किसी ना किसी तरीके से बात को जोड़ता है. आम तौर पे वफा ये सब हुरूफ आते हैं तब वो जो है उनका कोई ना कोई मुकाम होता है. अब चूंकि एक काम के बाद गैप के बाद दूसरा काम हो रहा है, मीना से कहीं चले गए फिर वहाँ से लौट रहे हैं, तो उसके लिए ये गैप के बाद फिर आ रहा है यहाँ पर. जब तुम नहीं है फिर, यानि जब तुम पहले अरफात को चले जाओ. और दिस इज़ द ऑर्डर फॉर एवरी वन, इस्पेशली फॉर द मुतवल्लिया ने काबा. अब उसके बाद ये एक वर्ड आ रहा है अफीजू, इसका एक रूट वर्ड भी होना चाहिए, वो क्या है, रूट वर्ड है और ये थर्ड पर्सन मुजारे है, और इसका वाउ अलिफ, हाँ ये वो अलिफ आने से हाँ थर्ड पर्सन बन गया, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है ये, और ये आ आने से इसको हुकुम के जैसा ले रहे हैं अपन के ऑर्डर हो रहा है, ये ऑर्डर हो रहा है अफ इजू हो गया. फिर माने ये एक गैप आ गया, जब तुम मीना पहुंच जाओ तो फिर उस, जब तुम सॉरी अरफात पहुंच जाओ तो फिर तुम लौटो. अब ये फिर में और ये अफीजों में एक एक रिश्ता पैदा हो गया कि ये लौटना है, कब लौटना है, आफ्टर रीचिंग अरफात है ना. वो उसके लिए एक लफ्ज आया मिन हैसु अफजन नास. अब यहाँ फिर ये मिन हैसु हम छोड़ेंगे, अफीजु अफजन नास, अफजा क्या है फिर, अफजा जो है सो
फिर हुक्म के जैसी है नहीं, नहीं उसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे उसको, फेल बोलेंगे, इसम बोलेंगे या हर बोलेंगे? इसको फेल बोलेंगे क्योंकि काम हो रहा है इसमें, बस ये काम हो रहा है, ठीक है। अफ़ज़ा वो लौटा, अब उसके बाद वो इम्टी हो गया, यहाँ पर उसका एक दूसरा फाइल आ रहा है, अन्नास क्या है फिर उसका, वो है अन्नास जो है सो इस्म है, ये इस्म है। अब ये दोनों में एक रिश्ता पैदा हो रहा है, अफ़ज़न नासु, एक लौट रहे हैं, लौटने वाले कौन हैं उसका जिक्र हो गया, लोग है, ठीक है। अब उसको नहू में क्या बोलेंगे, अब ये नहू के लिहाज से अन्नास का क्या मुकाम है? इसको बोलेंगे फायल, समझ के बोल रहे हैं ना या ऐसे बोल दे रहे हैं? पूरा यकीन है तुम्हारे को फाइल है? मैं कह रहा हूँ ये मफूल है, ये मफूल है ना, फाजन नासु है तो ये मफूल है ना, जो सो फाइल दिख रहा कौन सा, अन्नासु नास, ये अन्नासु लोगा है तो अफ़ज़ा लौटो, तो ये तो काम है तो ये फाइल हुआ उसका, कौन लौट रहा है उसका फाइल हो रहा है, लोग लौट रहे ना। तो आपको यकीन है मैं भटकाया तो आप भटकेंगे नहीं, है मफूल है नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल फाइल है, और उसका फेल क्या है, कौन लौटने वाले कौन है, अन्नास हैं, अफ़ज़न नासु। अब ये पूरा टुकड़ा मिलके एक बात ख़त्म हो गई कि फिर दोबारा ये उनको हिदायत की गई कि सीधा मुज़दलिफ़ा जाके रुक जाना नहीं है, बल्कि पहले अरफात जाना है, फिर वहीं से जहाँ से दूसरे आम अरब लौटते हैं, कोई भी लौटते हैं, वहीं से तुम भी। अब वो सिर्फ कुरैश से ही नहीं, बल्कि हर हाजी के लिए ये हुक्म है, हर हाजी के लिए ये हुक्म है, वरना उसका हज ही नहीं होगा, कि पहले मिना से वो अरफात को जाए, फिर अरफात से ख़ास औक़ात जो बता दिए गए हैं, कौन सी इबादतें कहाँ करना है बता दिया गया है, उसके बाद वहीं से लौटे मुज़दलिफ़ा की तरफ, जिसका पिछली आयत में जिक्र आ गया था। सो दिस विल बिकम मोर क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद एक एक टुकड़ा बोलो, क्या बोल रहे थे, इस्म है, ठीक है, कौन सा इस्म है, इस्म है या उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये वेर अवर मतलब जगह है ना, तो जगह हाँ, इस्म होती, तो फिर उसके बाद उसको क्या बोलेंगे, जगह इस्म होती तो ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान ये जगह है ना, कोई रटी हुई बात तो नहीं बोल रहे हैं ना, समझ के बोल रहे हैं, ज़र्फ़ मकान। आप अब भी फोटो भेजती हो आज दिन में बैठ के लिखी, सो वेरी गुड, मैं समझ में आया तो लिख लिया आज, आप बोले हाँ सर ज़र्फ मकान है, वेरी गुड, यानी फिर जहाँ से मिन हैसू आ गया, अब मिन हैसू का क्या मुकाम है, ये क्यों यहाँ पर आया, मिन फिर जोड़ा यहाँ पे हर्फ अत्फ है ये, नहीं 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 मिन हर्फ अत्फ नहीं है, जार है, हर्फ जार है, नहीं मिन जार है, हर्फ जार है, अच्छा फिर हर्फ जार है तो इसका ताल्लुक किसी से है इतने टुकड़े का, है ना, इतने टुकड़े का मिन है सू का ताल्लुक है किसी से, हाँ किससे है, लोगों से ताल्लुक, लोगों से, जहां से मिन है सू, जहां से किससे, लोगों से ताल्लुक है या किसी और चीज से ताल्लुक है, लोग लौट रहे ना तो जहाँ पे भी लोग हैं उल्ला लौट रहे ना, हाँ तो मेरे को लोगों से ताल्लुक दिख रहा हो, अच्छा लोगों को लौटो बोल रहे बोल के,
अच्छा रशीदा खावर, आपको क्या ताल्लुक दिख रहा है इसका? अस्सलाम वालेकुम सर, ये हफीजों से ताल्लुक है। हाँ, ये दो कलिमात का ताल्लुक किससे है? मिन हाइसो का ताल्लुक जार मजरूर मुतालिक के अफीजू हो जाएगा। अफीजू से है, यानी लौटने की बात हो रही है। अब ये लौटना कहाँ है? ज़र्फ मकान जहाँ से लौटे या जहाँ से खाली है ना, ये ज़र्फ मकान है। तो तुम भी लौटो जहाँ से लौटे, जहाँ से खाली, लौटे भी नहीं, तुम भी लौटो जहाँ से। अब ये जहाँ से बीच में आ गया, यहाँ तक कोई मायने नहीं निकलते जब तक के हम ये एक टुकड़ा फाजन नासा ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये फेल फाइल मिलके एक बात हो गई कि लोग लौटे जहाँ से, दूसरे लोग, आम लोग, जो मुतवलिया ने कहा नहीं, ये सबके लिए अफाजन नास, जहाँ से और लोग लौटते हैं तुम भी वहीं से लौटो, कोई एक्सेप्शन किसी के लिए नहीं। जी सर। तो ये एक एक हम जो स्टेप कर रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि किसी तरह से कुरान का एक फहम, वो एक सेकंड में मेरी क्लास में आता नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू पॉन्डर ऑन इट एंड थिंक। और ये भी मेरी बात का 100% आप बिलीव कर लीजिए मुझे, इस दौर से हर एक गुजरता है, मैं भी गुजरा हूँ, और जितने बड़े उलमा हैं सब गुजरे होंगे यकीनी, कि वो तर्जुमे में और इसमें जब फ़र्क आता है उसको समझने के लिए वी हैव टू पॉन्डर ऑन इट। लेकिन ये करते 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 एक ऐसी शक्ल भी आ जाती है कि फॉरेन लैंग्वेज हमारे हमारे लिए फॉरेन बाकी नहीं रहती। जैसे अंग्रेज़ी अमेरिका आने के बाद इस्तेमाल करते 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 उसका फहम भी आ जाता है, बग़ैर ग्रामर समझे कि हम अंग्रेज़ी में बात करने लगते हैं। और जो है उसमें अगरचे के बहुत सी जगह ग्रामर ग्रामर के गलतियां भी होती हैं, लेकिन शायद वो मुसलसल इस्तेमाल करने से है ना। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि आमतौर पे दो आदमी कोई ना कोई इनके साथ होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, और दोनों अगर अच्छे सेहतमंद हो, एक बिल्कुल लंगड़ता हुआ व्हील चेयर पर ना हो, दोनों अच्छी हालत में हो, तो नर्स या डॉक्टर वो दोनों को देख के आमतौर पर सवाल करते हैं, हु इज़ द पेशेंट। ऐसा कभी आपको भी ऐसा साबिका पड़ा होगा, किसी को आप साथ लेके गए, वो भी अट्ठा कट्ठा चलता हुआ गया, तो नर्स को या डॉक्टर को एक शुबा होता है, हु इज़ द पेशेंट, तुम दोनों में से पेशेंट कौन है, वो पूछेगी या पूछेगा। तो ऐसी सूरत में अब बेचारा जो पैदल है अंग्रेज़ी में है, वो उसने कहा, वो पूछा, तो दो गए थे उसमें से दूसरे ने जो पेशेंट कहा था उसका सवाल देख लीजिए, हु इज द पेशेंट, उसने पूछा हु हु इज द पेशेंट। ये तो अंग्रेजी यहाँ पर आके सीख लिया। नाउ व्हाट शुड बी द आंसर, पेशेंट का जवाब क्या होना चाहिए? कोई एक साहब हु इज द पेशेंट, क्या जवाब होना चाहिए? नर्स ने या डॉक्टर ने पूछा, दो हट्टे कट्टे हाथ में उसके सामने पहुंचे, उन्हें पहचान नहीं सकी, बीमार की तरह कोई भी नहीं दिख रहा था, तो नर्स या डॉक्टर ने पूछा हु इज द पेशेंट। इसके लिए या तो बंदा कहेगा आई एम द पेशेंट, या फिर साथ वाले को मेंशन कर देगा कि ही और शी इज द पेशेंट। अब ऐसी सूरत में एक पेशेंट ये जवाब देता है, इसी पैटर्न पे डॉक्टर ने पूछा हु इज द पेशेंट, तो उसने जवाब दिया आई इज द पेशेंट, आई इज द पेशेंट। स्वास्थ्य के यहाँ पर हु इज पूछा था, तो उन्हें उसने कहा कि आई इज द पेशेंट, दैट वॉज हिज टोटल नॉलेज अबाउट इंग्लिश। तो ये चीज़ क्या होती है कि
वो इस्तेमाल करते करते आई एम द पेशेंट और ही इज द शी इज द बोल सकता है, लेकिन पेशेंट जो आप दिया इज द पेशेंट. आर यू फॉलोइंग द ट्रिक? चूंकि सवाल में हु इज द पेशेंट था, अब वो बेचारे को आई के साथ अहम इस्तेमाल करना नहीं मालूम. सो ही सेड आई इज द पेशेंट. तो चूंकि ये अभी हमारी ऐसी जबान है जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, उसको हम बातचीत भी नहीं कर सकते, और फिर वो अल्लाह का कलाम है, तो इसके लिए थोड़ा सा तदब्बुर, गौर व फिक्र, एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करके उसको सही समझने की. फिर वो बैकग्राउंड एक समंदर है, एक समंदर है, और उसका इल्म जैसा भी है मुख्तलिफ तरीक़े से, एक क्लास में पूरा एक पारा भी हम तर्जुमा करके उसका मतन दे दे सकते हैं. थोड़ी बहुत तफसील, कहीं कोई लफ्ज़ आ गया उसकी बता दी, वो भी चल सकता है. लेकिन ये जो हम घंटे भर में एक या दो, एक आयत बड़ी छोटी हो तो शायद दो कर सकते हैं, तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. लेकिन ये मेरी मेहनत और आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी. इस तरह से कुछ दिन मेहनत करने के बाद एक वक्त वो आएगा कि विदाउट दिस बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड एनी ऑल दिस थिंग्स वी कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड इंशाल्लाह. और मैं आपसे कहा हूँ और यकीन से कह रहा हूँ कि इस स्टेज से मैं भी गुजरा हूँ कि जस्ट आई ट्रांसलेशन पढ़ के समझने की कोशिश करता. लेकिन तशवीश रहती थी कि ये जो अल्फाज हैं वो कहाँ हैं, तर्जुमा किससे मैच हो रहा है, एक्स्ट्रा वर्ड्स कौन से हैं जो आयत में नहीं हैं, छुपे हुए हैं, डेट उसको मालूम करने की कोशिश. ग्रामर तो बहुत बाद में सीखा हूँ. आई एम नॉट ए मैन हु स्टडीज अरबिक और किसी मदरसे में नहीं पढ़े, तो ज़िंदगी पूरी कोई और जबान को पढ़ाने पढ़ने में गुजर गई. यू फॉलोइंग? तो मैं अपने तजुर्बे से, जिन डिफ़िकल्टीज से मैं गुजरा उससे आपको निकलना चाहता हूँ. सो नाउ सी हाउ द आयत बिकम क्लियर टू यू व्हेन यू डू दिस. एक तो आसान तरीक़ा ये था कि फिर अए कुरैशियो, फिर तुम भी लौटो जहाँ से और लोग लौटते हैं. ठीक है, लेकिन इससे मकसद पूरा नहीं हुआ. फिर उसके बाद हम उसको जोड़ने की कोशिश किए, अरे कुरैशियाँ कहीं भी नहीं है, फिर है तुम लौटो है, जहाँ से है लौटते हैं लोग. फिर उसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़े, फिर देखे कि एक हर्फ है, ये हर्फ का एक ख़ास मुकाम है, ये कुछ ख़ास काम कर रहा है. एक काम से दूसरे काम की तरफ जब हम आते हैं तो वो कोई शर्तिया भी होता है या फिर अत्फ होता है, उस काम के बाद ये काम करना है. तो पहले तो हम अरफात चले गए. सुम्मा बहुत जगह इस्तेमाल होगा कुरान में, नाफिजु अमर होने की वजह से. यहाँ पर एड्रेस तमाम लोगों को है जो हज पे हैं और वो अरफात में मौजूद हैं, उनके लिए है कि देन मिन है सो फ्रॉम वेयर, जहाँ से. अब ये बात पूरी नहीं होती, इसको हम बाद में बयान करेंगे. तुम लौटो, अफाजन नाज लोग लौटते हैं, फिर ये मिन है सो मुतालक है हफीज हो गए. ठीक है, तो इसमें खाली क्लास में आके अगर चले गए तो फिर उम्र भर कोई गारंटी नहीं है. इसका मैं 1000 बार 10000 बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि एटलीस्ट ये दो आयतें आने से पहले इसको एक बार गौर कर लें, और क्लास होने के बाद एक या दो आयतें आप ज़रूर इसको गौर करें, तो ख़ुद आपको समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप आप में क्या इजाफा हो रहा है कुरान समझने में. और इज़ इट द सेम थिंग दैट वी यूज टू डू बिफोर नोइंग द वर्ड्स एंड देयर पोजिशन, देयर सेटअप, देयर स्ट्रक्चर. उसके बाद हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, दैट यू योर सेल्फ विल डिसाइड. ठीक है, ये मेरे पास मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल मेरे लिए ये है कि देर आर
पीपल ऑफ डिफरेंट लेवल, पीपल ऑफ डिफरेंट लेवल। मैं ऐसा चलता हूँ तो बहुत से अब तक बहुत कुछ सीख चुके हैं, उनके लिए बिल्कुल बचकानी बातें मालूम होंगी मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आज भी परेशान हैं कि सर्फ क्या है, नहू क्या है, ये क्या कर रहे हैं सर्फ नहू लेके, उससे कुरान का क्या ताल्लुक है, सर्फ नहू क्यों, सीधा सीधा पढ़ लिए, तुम भी लौटो हम भी लौटेंगे, जहाँ से लोग लौटते हैं तुम भी लौटो, खत्म, अभी बात लौट जाएंगे। इज माई पॉइंट क्लियर टू दानिश? आर यू देयर? अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू ट्राइंग टू? अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ रही। नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं ना कि इसमें खुद आप अगर महसूस करेंगे कि हम इस क्लास से लौट के एक आयत को उसके मतन के लिहाज से, उसके हर लफ्ज के लिहाज से हम समझे, तो दैट विल बी योर सक्सेस एंड माई सक्सेस। आई सक्सीडेड इन एम एंड यू सक्सीडेड इन योर अंडरस्टैंडिंग। उसका एक जो छोटा सा टुकड़ा है और इसका उससे कुछ ताल्लुक भी है, कुछ ताल्लुक नहीं भी है, ओके? ये ताल्लुक ये है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन सुम्मा से मुसलसिल इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो ये भी उसका इंस्ट्रक्शन है कि जब लौटो तो ये क्या करना है, या किस्से कहानियाँ बोलना है मुज़दलिफ़ा में या मीना में, जब जहाँ भी हम लौटेंगे तो वहाँ करना क्या है, वहाँ करना क्या है, ये हर नमाज के बाद या हर इबादत के बाद अल्लाह सुबहानहु तआला और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार की तालीम फरमाई कि उसमें कई झोल रह जाते हैं इबादतों में, कई उसके अंदर गलतियां हो जाती हैं, शैतान हमारे साथ है, कभी आमदन हो जाती हैं, कभी गलती से हो जाती हैं, तो दिस इज़ द ओनली वेपन अल्लाह सुबहानहु तआला हैज़ गिवन अस। ये ऐसा तोते की तरह कहने वाला लफ्ज़ नहीं है अस्तग़फिरुल्लाह या अस्तग़फिरुल्लाह, तोते की तरह कह दिए नमाज के तीन बार, नहीं, इट हैज सम सेंस एंड इट शुड बी अंडरस्टूड एंड इट शुड बी अटर्ड बाय फॉलोइंग द मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। उसमें जहन में इंसान की होना चाहिए, यह नमाज में कई बार मेरी तवज्जो शैतान भटकाने की कोशिश किया, मैं लाख कंट्रोल किया फिर भी भटकते रही, तीन रकात पढ़ा, चार रकात पढ़ा, याद नहीं रहा, अत्तहियात पढ़ा था या नहीं पढ़ा था याद नहीं रहा, है ना, या फिर रुकू दो सीधे हुए तीन सीधे हुए याद हुआ, या फिर मैं रुकू के बजाय सीधा सीधे में तो नहीं चले गया। कई ऐसे वाक़ियात नमाज में आते हैं, कई ऐसी चीज़ें हर इबादत में आ सकती हैं, लेकिन उस इबादत के बाद मग़फ़रत अल्लाह से चाहना ये बड़ी बात है, जान के बूझ के अल्लाह से ये इक़रार करना कि मैं तो अपनी तौर पे पूरी कोशिश किया, लेकिन बंदा हूँ आपका, इंसान हूँ, भूल मेरी फितरत में है, आपने मुझे पैदा किया लेकिन मेरे साथ एक शैतान को भी लगा दिया जो हर वक्त मेरी इबादत में नुक्स लाने की कोशिश करता है, उसको बड़ा दिली सुकून मिलता है मेरी इबादत को ख़राब करके, और उसकी ज़िंदगी का मेन मकसद ही ये है कि मेरी इबादतों में नुक्स लाए, तो उसके लिए अल्लाह ने हमको एक हथियार दे दिया कि जो भी नुस्ख़ इबादत में रह गया, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो सदका खैर खैरात हो, या फिर वो हज हो, कोई भी इबादत हो, उसके बाद अल्लाह सुबहानहु तआला को मालूम है कि बंदा है, भूलने वाला है, इंसान उसका नाम इसीलिए है, तो उसको एक वेपन भी दे दिया कि वो उस इबादत के बाद इस्तग़फ़ार करे। ठीक है, अब ये दो लफ्ज़ हैं, अब इसका इसका क्या तर्जुमा होगा, कोई और भी हैं तो मुझे तर्जुमे थोड़े चाहिए, मेरे सामने कोई किताब नहीं। सर एक चीज मैं ऐड करूं? जी जी जी, ये जो तर्जुमा भी हमने किया इसमें मैं ये देख रहा था जो आपने फद्दा का रूट वर्ड बताया उसकी
तर्जुमे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कि इसमें लौटने की सेंस कहाँ से आई, तो बड़ी प्यारी उसमें एक अरबी की चीज नजर आती है कि जो फजा का या फैजा का वर्ड है ये खास तौर पे उस मौके के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके लौट रहे हों, ऐसे कि खास हज के मौके पर होता है, इसलिए एक ये लफ्ज का इस्तेमाल हुआ। अदरवाइज जो लौटने के लिए रजू या रजा का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो भी लौटना है, बहुत सही पॉइंट किया आपने। और इसी से फयाजी का भी लफ्ज होता है, फैज हासिल करना, फयाज होना किसी का, वो भी इसी लफ्ज में से निकलता है। माशाल्लाह, चलिए अब इसका तर्जुमा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, कोई और अगर रख सकते हैं आसानी से तो हमेशा क्लास में कोई ना कोई तर्जुमा अपने सामने रखिए। तुम्हारे पास क्या है हमारा, इसका तर्जुमा क्या है? सर मेरे पास है, हाँ सर मेरे पास एक हजरत शाह अब्दुल खादिर साहब का 35 साल। चलो चलो जल्दी, क्या है तर्जुमा, क्या है बोलो। तो सर इसमें अस्तगफिरुल्लाह का तर्जुमा है, और गुनाह बख्शवाओ अल्लाह से। और आपके पास क्या है दानिश? मेहरबान मेरे पास सर ये जो मैं पहले भी मेंशन कर रहा उसमें है कि और अल्लाह से माफी मांगो। अच्छा, और हमारा तुम्हारे पास क्या है? और बख्शिश मांगो अल्लाह से। चलिए अब उसके बाद, ये तो तर्जुमा हो गया, सभी तर्जुमे अपनी जगह सही हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन कहाँ पर कौन सा चीज़ टैली हो रही है? बख्शिश मांगो या फिर जो है गुनाह बख्शवाओ अल्लाह से, ये सब एक एक जहन में एक कच्चा सा खाका आ रहा है, लेकिन इस लफ्ज़ का क्या सही मायने हैं वो हमारे सामने बिल्कुल नहीं आ रही। तो अब जब तक हम अस्तगफार में किसका रूट वर्ड क्या है और फिर इसमें इजाफत क्या है, उस इजाफत की वजह से मायने क्या निकलेंगे, और फिर ये अल्लाह है, अल्लाह को यहाँ पर पेश भी आता है, कभी ज़ेर भी आता है, कभी ज़बर भी आता है, ये अल्लाह पे ज़बर है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों के लिए हमको क्या पहले इसका ये मालूम करना पड़ेगा कि वस्तगफिरू क्या है? सर ये तर्जुमों में तो ये है कि मांगो, लेकिन जैसे हमने जो सीखा है अलिफ सीन ते की इजाफत से चाहना होता है, चाहत के माफी बख्शिश चाहो। दूसरी जगह भी जो आप सूरह फातिहा में, इसमें बहुत जगह अलिफ सीन इस्तनसरा इस्तयान इस्तईनु नस्तईनु, ये चाहने के मानों में आता है, डिजायर है ना, ये जब इबादत कर मधुदी साहब के पास। हाँ डॉक्टर साहब, आप जब से कमें मधुदी साहब के पास बोलिए बोलिए। मधुदी साहब के अल्लाह से माफी चाहो ही है उनका तर्जुमा। अब उसमें देखिए, अब ये नहीं मालूम हो रहा है कि तर्जुमे में बिल्कुल सही है, सारे मायने बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन उसका एक अरबी से जहन में जो खाका बनना चाहिए, जो एक एक इम्प्रेशन बैठना चाहिए, किसी तर्जुमे से मेरे जहन में तो नहीं बैठा। अनलेस एंड अंटिल आई नो व्हाट इज दिस वर्ड, इसका रूट वर्ड क्या है? अस्तगफर, रूट वर्ड बिल्कुल इब्तदाई वर्ड फरा। चलिए ये है गफरा, एंड व्हाट इज द मीनिंग? गफरा, चलिए बोलिए हमारे वो माफ किया, वो यस ही पार्डन, वो माफ किया, वो माफ किया, ठीक है। अस या फिर इसमें से ये अलिफ सीन ते के रास्ते
अस्तगफिरु, ये वाव अलिफ आने से क्या हुआ? ये जमा हो गया और फिर ये अस्तगफर क्या हो गया? इसका कौन सा फॉर्म है फेल का? ओ है? कौन है? जारे अमर जारे हो गया या फिर जो है अमर हो गया। अल्लाह सुबहानहु तआला हुक्म फरमा रहे हैं वस्तगफिरू, वह तो अलग हो गया है ना, अस्तगफिरू और तुम सब इस्तगफार करो, मदद चाहो, तुम सब मदद चाहो। इसका कोई फाइल भी है? किसको हुक्म हो रहा है? जब भी अमर होगा तो उसका फाइल कौन होगा? नास कौन होगा? पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल या सेकंड हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो सकता है। यहाँ पर वाव अलिफ आ जाने से प्लूरल है। फिर तुम सब चाहो मदद। अब इसके अंदर क्या क्या आ गया? इसमें फेल भी है और उस फेल का फाइल भी है। हाँ कौन कह रहे हैं, जोर से बोलिए। उस फेल का फाइल भी है। फाइल भी है, फाइल क्या है? गफर, वही इस्तगफिर, और माफी चाहो, मदद चाहो या बख्शिश चाहो, ये सारे तर्जुमों में मौजूद है। और तुम सब चाहो बख्शिश या माफी किससे? कौन माफ करने सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है, बस अल्लाह से। तो अब ये तीन चीज़ें मिलके इसके अंदर एक अमर हो गया, उसका एक फाइल हो गया, वो फाइल यू है या तुम है या तुम सब प्लूरल है। उसके बाद ये सब करने के बाद ये मत समझो कि तुम्हारा हज पूरा हो गया, सब चीज़ तुम सही कर लिए। उसमें कितनी गलतियाँ वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कभी हमको गलतियों का एहसास होता है, कभी गलतियों का एहसास नहीं होता। तो हर इबादत के बाद उसकी गलत, उसमें जो कमी रह गई, जो गलती हमसे सरजद हो गई, जिसका हमको एहसास भी हुआ या नहीं हुआ, उस सूरत में, हर सूरत में ये अल्लाह का हुक्म है कि ये सब जब इबादतें कर लो उसको ठीक उसी तरह से अदा कर लो जैसा अल्लाह का हुक्म है। तो उसके बाद अल्लाह से ये समझ के और ये यकीनी है कि उसमें कहीं ना कहीं भूल चूक अगर कुछ नहीं हुआ है तो कम से कम ख्यालात भटके होंगे, कुछ और हुआ होगा, तो उसमें अल्लाह से बख्शिश मांगना या उसमें जो गलतियां हैं उसकी, उसके लिए अल्लाह से मगफरत चाहना, माफ़ी चाहना, बख्शिश चाहना। तो अब ये अल्लाह का क्या मुकाम हो गया? अल्लाह पे ज़बर क्यों आया? मफूल हो गया, ये मफूल हो गया। अब वो जो हम तर्जुमे से कर लिए थे उसमें, और आप जैसे धीरे धीरे इसकी एनालिसिस की, अल्लाह की एनालिसिस की है, और फिर उसके बाद इसमें अल्लाह का हुक्म भी आ रहा है कि ये इबादतें करने के बाद ये मत समझो कि तुम पूरा कर लिए। हुक्म क्या हो रहा है? वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुम उसके बाद चाहे तुम्हारे जहन में हो कोई गलती या ना हो, अल्लाह बेहतर जानते हैं हमसे इस इबादत में कितनी गलतियां हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद कम से कम 3 बार अस्तगफरुल्लाह कहा करो कि मैं बख्शिश चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, दरगुजर होना चाहता हूँ सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला से। गलतियाँ तो जरूर मेरे जहन में हो या ना, लाख इनहमाक से खुशू से भी मैं नमाज पढ़ूँ तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है, मुझे मालूम नहीं। तो इसलिए उस वक्त अगर हम अल्लाह से दिल से बख्शिश मांगे तो वो तमाम चीज़ों को अल्लाह सुबहान तआला बड़े रहीम और करीम है उसको मिटा देंगे और फिर वो इबादत अल्लाह के लिए खालिस हो जाएगी।
गलतियों को बख्शने में, माफ करने में अल्लाह सुबहान तआला अल वदूद बंदे को बहुत प्यार करते हैं। नाउ विल दिस वे वी विल अटैच अवर हार्ट्स विद द कलाम ऑफ अल्लाह सुबहान तआला और जस्ट बाय रीडिंग, कि उसमें ना कोई फोर्स आ रहा है ना कोई समझ आ रही है, बल्कि कहीं भी किसी इबादत के बाद ये हुक्म जरूर आएगा वस्तग़फिरुल्लाह। क्वेश्चन कर लूं? हाँ करो जल्दी। ये ते आने से सेकंड ते आने से इसमें वस्तग़फिरुल्लाह में सेकंड पर्सन प्लूरल हो रहा, तो तुम्हारे लिए तुम मग़फ़िरत चाहो, मतलब तुम हाँ। सब मग़फ़िरत चाहो। अगर अपन जब नमाज में पढ़ाई तो उसको कैसा पढ़ना, मैं मग़फ़िरत चाह रहा हूँ बोल के, मैं मग़फ़िरत चाह रही हूँ बोल के, वो अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिर पे रोक देंगे, ये हुक्म है। अलीफ पे जो जज़्म है वो अलीफ पे ज़बर हो जाता वो। हाँ ये भी अलीफ पे वही है, अस्त वस वस है, ये वाव आने से इस पे ये साकिन हो गया, अस्तग़फिरु अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिर हो जाएगा, मैं माफी चाहता हूँ। मगर ये जिसके लिए आप एक बार ये सब बोलने से पहले आप गफरा की गिरदान, वो जो सलासी मुजर्रद हम करके आए हैं, ये एक बार आप करेंगे, गैन फे रे ये तो करके आए गफरा गफर, गफर, गफर इसकी, इसकी पूरी गिरदान कर गफरा कर सकते हैं, गफरा करूं? हाँ करो जल्दी। गफरा गफरा अलीफ के साथ, ऐसा नहीं अलीफ के साथ नहीं, खाली बोलते जाओ मैस्कुलाइन। अच्छा फिर फेमिनाइन में गफरत, अभी दो ही बोले तुम, गफरा गफरू तीन होना, मुजक्कर के तीन बोलो, मौनस के तीन बाहे, तस्निया जमा, गफरा गफरा अलीफ के साथ। फिर अरे वाह, अलीफ के साथ बोलने की जरूरत नहीं है, जब तुम बोल देंगे गफरा तो मेरे खुद समझ में आ रहा है कि तुम उसको खींच के अलीफ के साथ बोल रहे। चलो गफरा गफरा गफरू, हाँ गफरा गफरू, गफरत गफरता नहीं होता, नहीं होता गफरना नहीं होता, गफरता नहीं होता, कौन सा नहीं होता, गफरता नहीं होता, जबर पे गफरता होता। हाँ फिर पूरम पे जबर गफरता, जबर नहीं आखिरी लाम कलिमे पे वो आएगा पांचवे में जज़्म गफरता, उसके बाद गफरना। चल जल्दी फिर गफर गफर, अब सेकंड पर्सन जो है सो गफरता गफर गफरता गफरतुमा गफरतुम, और फेमिनाइन गफरती गफरतुमा गफरतुन्ना, फिर फर्स्ट पर्सन गफरतु परना। इसके आपके जहन में मायने भी आ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ तो फर्स्ट पर्सन अगर अपन बोलना है तो गफर तू, मतलब मैं मग़फ़िरत चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं माफ किया मग़फ़िरत चाहती हूँ नहीं, खाली आप गफरा में है अस्तग़फिर में नहीं है। अच्छा गफर तू गफरना, मैं माफ किया हम माफ किए मैं अब उसके बाद ये इजाफत के साथ जो लफ्ज बन रहा है अस्तग़फिरा, इसकी भी गर्दान वैसे ही होगी, अस्तग़फिर अस्तग़फिर अस्तग़फिरा अस्तग़फिरु अस्तग़फिरत अस्तग़फिरता अस्तग़फिरना, वो पूरा उसी तरह से मजीद के अभी हम बाद में बहुत लेट अभी करेंगे, बहुत दिन है इसके लिए, लेकिन ये सारी गर्दान
वो सारे बाद में डाउट पूरे कर लेना। अब ये इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अब उसके बाद यहाँ पर एक ये सब कहने के बाद अल्लाह सुबहान तआला को एक बात लोगों पे वाज़े करना है। अब इसका तर्जुमा क्या है, किसी के पास भी? चलिए शाजिया क्या कहते हैं वो फतेह 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 अली साहब, क्या नाम उनका? जी सर एक सेकंड, सर मेरी पेज पलट गया, सॉरी सर, आप किसी और से ले लेंगे तो ढूंढ रही हूँ वो यकीन। सर मेरे पास है इन अल्लाह, बेशक अल्लाह बख्शने वाला पढ़ो, तुम तर्जुमा मत करो, तुम बैठे हैं तर्जुमा करते, वहाँ जो तर्जुमा है सिर्फ वो पढ़ो, तुम्हारा तर्जुमा नहीं बहुत अच्छा होता है, तुम बहुत पढ़े हुए हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा तर्जुमा नहीं, वहाँ क्या लिखा हुआ है, दैट इज लाइक व्हाट आई वांट टू नो। बेशक बेशक खुदा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है, बस ये है ना, वेरी गुड। और फिर बसी साहब क्या बोल रहे थे? यकीनन वो माफ करने वाला और रहम फरमाने। चलिए अब उसके बाद यकीनन वो यानी अल्लाह है ना, माफ करने वाला और रहम करने वाला है। ओके अब यहाँ पर देखिए, ये तो तर्जुमे से मेरे पास है, अल्लाह है बख्शने वाला और मेहरबान। हाँ क्या है, सॉरी बोलो बोलो, अल्लाह है बख्शने, अल्लाह है बख्शने वाला मेहरबान। अच्छा अब ये सब तर्जुमे अपनी जगह हर एक सही है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे मेरे दिल को ना सुकून हुआ ना इत्मीनान हुआ जब तक ये नहीं मालूम हुआ कि ये तमाम चीज़ों के बाद इसकी क्या अहमियत है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अब ये सब हुक्म हो रहा है कि एक तो ये काम करो, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, अपने हज के अरकान पूरे करो, जहालत में जो हो रहा था वो मत करो, अब जो अल्लाह का हुक्म है वैसा करो, और फिर अल्लाह से सब करने के बाद भी अल्लाह से बख्शिश मांगा करो और अल्लाह से तलाश करो। उसके बाद अल्लाह सुबहान व तआला अपने बारे में एक बात तमाम लोगों को जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं एक बात का इनकशाफ फरमा रहे हैं, वो है जुमला इन्ना के साथ। अब यहाँ ना यकीनन के माने आएंगे ना ज़रूर बज़रूर के, बल्कि एक ये हर्फ है जो मुशब्बा बिलफेल है, इसके साथ जो भी इस्म आएगा इस इस्म की खबर दी जाती है। अब उसके बाद अल्लाह सारी बातें बताने के बाद है ना, अब ये बेशक के माने ये सब हो सकता है, लेकिन यहाँ मुझे किसी शक या बेशक की गुंजाइश नहीं है। ये सब कहने के बाद अल्लाह ने अपना इस्म जो लिया वो इन्ना के साथ लिया, इन्ना के साथ अल्लाह अपना इस्म का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह कौन है, अल्लाह के बारे में तुम्हारे जहन में क्या होना चाहिए कि गलती हो गई तो अब उम्र भर मेरी बख्शिश नहीं होगी, इसको माफ़ करने वाला कौन है। तो ये भी हमको बता दिया कि अब ये इन्ना के साथ अल्लाह का इस्म है, और उसकी ये जो हिस्सा है वो क्या है, ये उसकी खबर है, इन्ना की खबर है। कौन सी कितने खबर हैं अल्लाह के बारे में, कितने हैं? दो है खबर, एक खबर खबर दो, दो। अभी बीच बीच में कभी कभी ऐसा लोग आ जाते हैं, और कभी एक ऐसा भी सवाल हुआ था कि ये मुजाफ मुजाफ इलैह भी हो सकता है क्या, है ना, ये दोनों इसमें नहीं नहीं मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं, सिफत मौसूफ ये पूरे दूसरे है ना। अब्बासी साहब भी कभी एक सवाल कर रहे थे कि ये सिफत मौसूफ है, अब्बासी साहब गफूरुन रहीमुन अलिफ लाम भी नहीं है, ये भी तो हाँ बोलिए, बस सिफत मौसूफ है जी, है जी जी ये खबर जी है सिफत मौसूफ। अब ये देखिए थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए कि उम्र भर सिफत मौसूफ नहीं हो सकता, सिफत मौसूफ नहीं हो सकता, इसलिए कि सिफत मौसूफ उसको कहते हैं जिसकी
मौसूफ के माने जिसकी सिफत बयान की जाए। यह गफूर कोई मौसूफ नहीं है, यानी कोई लड़का है, कोई आदमी है, कोई खातून है ना, उसके बारे में हम कह रहे हैं खूबसूरत है, बदसूरत है, हैंडसम है, लंबा है, गिड्डा है, झूठा है, सच्चा है। तो ये जो भी इस्म होगा उस इस्म की सिफत हम बयान करेंगे तो ऐसी सूरत में ही वो सिफत कहलाएगा, बाद वाला जो कलिमा होगा, और पहला जो इस्म हम इस्तेमाल करेंगे वो मौसूफ, मौसूफ की सिकत सिफत होगी। अल वलदु अत्तवीलुन, अल वलदु अत्तवील। अब यहाँ पर जो मौसूफ होगा वो कोई इस्म होना चाहिए, इस्म की सिफत बयान होती है, लेकिन सिफत की सिफत नहीं होती। ये दोनों का मौसूफ जो है वो अल्लाह सुबहान व तआला है, ये दोनों का मौसूफ अल्लाह सुबहान व तआला है। अब ये उसकी सिफत नंबर एक है, ये सिफत नंबर दो है। अगर चेके ये उन गफूरन भी वैसे ही है, रऊ रहीम भी वैसे ही है, लेकिन ये सिफत मौसूफ नहीं, उस ये सिफत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर कोई मौसूफ होना पड़ेगा तो फिर अल्लाह रहीम बोल सकते हैं, अल्लाह गफूरन बोल सकते हैं, ठीक। अल्लाह अगर वहाँ बोलेंगे तो वह मुब्तदा हो गया और गफूरन उसकी खबर हो गई, अल्लाह गफूरन ये मुब्तदा खबर हो गया, अल्लाह रही अल्लाह, या मैं जब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ ज़बर नहीं ज़ेर के साथ, अल्लाह रहीमुन मुब्तदा खबर। लेकिन ये अल्लाह सुबहानु ताला अपने दो सिफात बयान कर रहे हैं, एक वो गफूर भी हैं, और गफूर के मैंने गफरा भी हम यहाँ करें, उसका इसमें क्या है फ़ाइल है, माफ़ करने वाला, मगफूर उसका इसमें मफूल है, इसमें फ़ाइल है। तो ये गफूरन ये इस्म हो गया, और उसके मैंने जो ये काम करता है अल्लाह कौन है, गफूर है, माफ़ करने वाला है, इसमें फ़ाइल है। रहीमुन रहमा रहीमुन ये भी इसमें फ़ाइल है। तो अल्लाह सुबहानहु तआला के दो इस्म यहाँ पर सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, अल्लाह गफूर भी हैं और रहीम भी हैं, तो इसलिए उससे इस्तग़फ़ार करना चाहिए। बाबा ये दोनों, बाबा ये एक क्वेश्चन था मेरा, ये दोनों इसमें मुबालगा होंगे ना बा, गाफिर जो है बख्शने वाला, गफूर गाफिर कहीं नहीं है, गफूर है, गफरा गफरा, गाफिर तौबु अलग चीज, गाफिर ज़म्बी वो अलग चीज है, गाफिर नहीं है, गाफिर अलग जो है वो इस्म हो गया, फेल नहीं है, या फेल की बात हो रही है या फिर या इस्म की बात, गफूरुन जो है बाबा, हाँ गफूरुन जो है ये फाइल है, गाफिर भी फाइल है, ये गफूर जो है इसमें मुबालगा हुआ, फाइल में इसमें मुबालगा, बहुत बख्शने वाला, वो तर्जुमे में होगा, गाफिर सिर्फ बख्शने वाला होगा, गफूर बहुत बख्शने वाला, ठीक है, इसमें भी फाइल ही बोल रहा हूँ, मगर इसमें फाइल मुबालगा, ठीक है, हो सकता है, लेकिन इस वक्त बहरहाल अल्लाह अपनी जो खबर दे रहे हैं वो गफूर हैं और रहीम हैं, गफूर हैं और रहीम हैं। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे इज़ इट गुड, और जैसे तर्जुमे में है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, हाँ बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले रहम करने वाले हैं। सो दैट इज़ व्हाट द मेन पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट हियर। एक एक टुकड़ा है और उस टुकड़े के अंदर कुछ मानवियत है, और वो ऐसी मानवियत है कि उसका डायरेक्ट दिल पे दिमाग पे असर होना चाहिए। तो एक छोटी सी आयत यहाँ पर हम पढ़े जिसमें तीन टुकड़े हम करें एक टुकड़े में, तो हम वो पिछली आयत से उसको मिलाए कि ये ज़रूरी है कि वो जो मुतवलियन थे वो उसमें रुकते थे, लेकिन उन सब के लिए आइंदा क़यामत तक जितने हाजी हैं सबके लिए हुक्म आया कि अब उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं कर सकता, जहाँ से और लोग लौटते हैं, जो फ़र्ज़ अल्लाह ने कर दिया रुकन उसको पूरा करना है, वहीं से लौटना है।
और ये सब करने के बाद एक हुक्म अल्लाह सुबहान तआला ने दिया कि लाख तुम पूरी एहतियात से करो, उसके बावजूद भी हर नेकी के बाद हर इबादत के बाद अल्लाह से मगफरत ज़रूर चाहो। और फिर ये इसका वजह ये बता दी कि फिर अल्लाह का जो इन्ना के साथ इसमें उसकी खबर दी जा रही है कि अल्लाह के बारे में ये भी याद रखो, जहन में रखो कि अल्लाह सुबहानहु तआला माफ़ करने वाले और रहम करने वाले। डू यू फील एनी इम्प्रूवमेंट इन योर अंडरस्टैंडिंग विद दिस? सवा घंटे में हम जो छोटी सी आयत की एनालिसिस करने की कोशिश करें, या एक बार मैं समझा देने से अगर आप अनजान घर चले गए बैठ गए तो यू विल नेवर नेवर आई थिंक हैव द रियल आइडिया व्हाट वी आर डूइंग। बल्कि इस एक आयत को एक या दो बार इसी तरह से अगर हम इसको पढ़ें समझें तो उसका वाकई में क्या दिल पे असर होगा आप खुद महसूस करेंगे, हाउ यू आर फॉलोइंग द कलाम ऑफ अल्लाह सुबहानहु तआला। Do you feel any difference of what we are doing? Bas hi sab. Bas hi sab hain? Bilkul. Ji ji main hu. Bilkul bahut farak padta hai aur bahut samajh aata hai. Bas abhi ye andaaz jari rakhiye. नहीं नहीं अब्बासी साहब, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इट्स नॉट द एंड, इट्स नॉट द एंड। मैं 5% 2% भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब तक हम मेहनत करेंगे उसमें खुद लग जाएंगे तो आप देखेंगे कैसी कैसी अल्लाह सुबहान तआला हमारे जहन को खोलते हैं और किस तरह आयतें खुल के हमारे सामने आती हैं जब हम पढ़ते हैं। तो ये तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, इट्स नॉट इवन 2%। ये समंदर में सिर्फ उंगली डाल के हम निकाले, कुछ पानी हमारी उंगली को लगा, लेकिन जितना तदब्बुर करते जाएंगे, जितना अल्फाज पर गौर करते जाएंगे, कुरान का एक एक लफ्ज़ उसमें क्या मैसेज है, क्या अल्लाह सुबहानहु तआला हमको फरमाना चाहते हैं, दैट विल बिकम वेरी क्लियर टू अस इंशाल्लाह। यस कुछ बोल रहे थे आप? आज मेरी किताब पहुंच गई है इंशाल्लाह, माशाल्लाह मुताला शुरू करूंगा। चलिए इंशाल्लाह, वो तो ग्रामर की किताब है, उसमें जब भी होगी इंशाल्लाह आपको काफी हेल्प मिलेगी उसमें, वो देख लीजिए। चलो अखबाल चाचा को बहुत खांसी है तो किसी से दुआ कराने के लिए लिखे हैं, कर बात करना मुश्किल हो रही। चलो चलो तुम कर दो, ये खांसियों का बड़ा सिलसिला चल रहा है, अल्लाह रहम करे। औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला जो कुछ पढ़े हैं समझे हैं इसमें हमको साबित कदमी अता फरमाइए और इसका फहम अता फरमाइए, इस काम को जी नहीं, अल्लाह ताला जो कुछ पढ़े हैं या अल्लाह हम जो पढ़े हैं, हम जो कुछ वो बीच में वो था अंडरस्टूड जी, हाँ। तो भूल गया मैं आप बीच में कोई बात नहीं चलो अस्सलाम तो भूल करे हमारे लिए इसको देखिए, हमारे नस्लों में जो है इसको इस इल्म को हमको जारी रखने की तौफीक अता फरमाइए, आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वकिना अज़ाबन्नार वाखिरु दावान अलहम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तज़ीन जी सर, वो इनका थोड़ा सा मैं अगर सर सॉरी माफी के साथ, आपका जो डाउट था ना तज़ीन के ता जो है वो तुम के लिए आ रहा है, सेकंड पर्सन के लिए वो नहीं आ रहा, वो अलिफ सीन और ता की इज़ाफ़त है, वो ता सेकंड पर्सन का बहुत सी चीजें छूट जाती हैं, अभी उस स्टेज तक पहुंचे नहीं ना, तो उसको वो सब जाना अभी जब मजीद फी के कुछ करेंगे। डाउट दूर कर रही थी, ठीक है चलो, वो आपसे क्वेश्चन कर रही थी वो खुल नहीं पा रहा था उनका।
इंशाल्लाह। और ये बाबा गफूरुर रहीम मजाक मजाक फिले होता नहीं, कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मजाक मुजाफिला बिल्कुल अलग चीज होगी, एक इस्म के साथ दूसरे इस्म का ताल्लुक, गफूर अलग चीज है रही, किताब अल्लाह मजाक मुजाफिला होगा, रसूल अल्लाह। चलो फिर उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बहुत से लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, तो इसीलिए मैं स्लो हो गया कि थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी का सही तस्वुर आ जाए। तो आज मैं उसको सिफत मौसूफ तो बताया, लेकिन वो सारी चीज़ें एक क्लास में तो होना नामुमकिन। चलिए इंशाल्लाह फिर कभी मुजाफ मुजाफिले की भी तफसील बता लेंगे। अल्लाह हाफिज़।